देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने शुरू में ही एक लाइन कही थी कि मैं अराजक हूं, और वो आज तक उसी अराजकता का परिचय दे रहे हैं। माननीय एलजी महोदय जो दिल्ली में जिस इस समय जो भ्रष्टाचार पे जो अंकुश लगाए हैं, वो सिर्फ मंत्रियों के भ्रष्टाचार पे ही नहीं है, आम आदमी पार्टी सरकार के भ्रष्टाचार पर ही नहीं है, वो कोई अधिकारी भी गलत कर रहा है तो सस्पेंड हो रहा है, पनिश हो रहा है। तो अगर ऐसी व्यवस्था का, इंडिया अगेंस्ट करप्शन की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल विरोध करने लगते हैं, तो इसका मतलब अरविंद केजरीवाल जी को एलजी महोदय से शिकायत नहीं है, अरविंद केजरीवाल महोदय को जो अपने लूट कर रहे हैं उसको रोकने वाले से शिकायत है। और मुझे लगता है ये नहीं रुकना चाहिए, भ्रष्टाचार पे अंकुश लगना चाहिए, माननीय एलजी महोदय को ये कार्य सतत करते रहना चाहिए। दिल्ली के चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में मैं ये बात कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल के इस अपने अपराध और भ्रष्टाचार को बचाने के लिए जो ये तरह तरह के उपाय और अटैक कर रहे हैं एलजी पर, ये कहीं से भी सही नहीं है। दिल्ली की जनता भी इनको सबक सिखाएगी और संविधान को भी ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए। दिल्ली वुमन कमीशन चीफ स्वाति मालीवाल एक स्टिंग ऑपरेशन करेगी कि दिल्ली की सड़कें कितनी सेफ है, इसमें उन्होंने ये कहा है, एक वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल कर रहा है कि मुझे अंजलि की तरह ही 15 से 12 मीटर मुझे ड्रैग किया गया कार से। सर कैसे देखेंगे? देखिए, मैं बड़ा दुखी हुआ जब ये घटना मैंने सुना, तो मैं उस दिन काशी में था, तो मैं बहुत चिंतित हुआ और आते ही मैंने इस घटना की पूरी तह में जाकर के इसकी जांच करने की बात करी, लेकिन पता चला कि पुलिस ने तो तुरंत ही उस गाड़ी को भी पकड़ लिया, उसके ड्राइवर को भी पकड़ लिया। तो पुलिस की इस तेजी के लिए मैं पुलिस को उसको बधाई भी देता हूं, पुलिस को ऐसे ही तेजी से काम करना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसी घटना कहीं हुई नहीं, ऐसी घटना हुई है, लेकिन इसके लिए पुलिस को ऐसी ही चपलता का और सतर्कता का परिचय देना चाहिए जैसा इस केस में दिया। लेकिन हैरानी मुझे इस बात की है कि जब वो ड्राइवर पकड़ा जाता है तो वो आम आदमी पार्टी का ही कार्यकर्ता निकलता है, इनके आम आदमी पार्टी के विधायक का वो साथी निकलता है, फोटो आ गई उसके घर से, तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता होने के चिन्ह आ गए। तो ये स्टिंग भी करना था तो फर्जी स्टिंग क्यों किया गया, ये हमारे लिए बहुत चिंता की बात है। और मैंने अभी बात करी है कि उस ड्राइवर का और उनके विधायक का कॉल डिटेल्स निकले कि उस समय जो ये फर्जी स्टिंग आई है सामने, उसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व्ड हैं, और वही लोग जो दिल्ली के चुने हुए हैं वो दिल्ली के ही इस ऐसे स्वरूप को दिखाने की फर्जी कोशिश क्यों कर रहे हैं।